एक नया साल और मार्वल की एक न्यू सीरीज। और देखो, मैं जानता हूँ कि मैं इस सीरीज के लिए लेट हूँ, क्योंकि मुझे एको सीरीज से ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी। तो सोचा कि इस सीरीज को आराम से ही कवर करते हैं। और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने के बाद लगता है वो डिसीजन एकदम सही था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें वीडियो में आगे जाकर पता चल जाएगा। लेकिन आजकल मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि मार्वल पे किसी ने काला जादू कर दिया है, क्योंकि एको सीरीज जिस खूबसूरती के साथ शुरू होती है ना, इस सीरीज का एंड उतना ही बेकार है। मतलब यार, मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये बातें पहले से ही पता थी, और वो लोग इस सीरीज को डेयर डेविल और किंग पिन के लिए ही देखने वाले थे, और लोग इस सीरीज को उसी के लिए देखने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज का प्रेजेंस थोड़ा अननेसेसरी और वॉश डाउन लगता है, क्योंकि इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही डेयर डेविल का अपीयरेंस इस सीरीज में फर्स्ट और लास्ट बार होता है, जो कि भाई ये कैमियो कुछ खास महसूस तो नहीं होता है। जो जहाँ तक मुझे लगता है तो इस सीरीज के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता था डेयर डेविल को सीरीज में थोड़ा और आगे दिखाकर। मतलब कमोन यार, तुम्हें भी पता है कि हम डेयर डेविल के लिए कितने पागल रहते हैं। लेकिन अब ये सीरीज देखने के बाद फील हो रहा है कि इट्स अ कैरेक्टर ओरिएंटेड स्टोरी, जहां पर माया अपने चोक टाव हेरिटेज से कनेक्शन और एज अ डेप पर्सन अपनी लाइफ को नेविगेट करना सीख रही है, जो कि अगर हम देखें तो मार्वल की तरफ से ये काफी फ्रेश ऑफरिंग है, क्योंकि मार्वल में हमें ऐसा हमेशा देखने को नहीं मिलता जिसमें फैमिलियर ड्रामा के साथ साथ उसकी डेवलपिंग पावर्स का भी अस्तित्व क्लियर होता है कि आखिर एको कौन नहीं, एक्चुअल में एको क्या चीज है। जिसे कि मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल तो नहीं करना चाहूंगा, जो कि काफी अच्छा है, देखना जरूर। लेकिन अब चलो इस सीरीज के ऊपर ऊपर से स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो माया होकाई सीरीज के इवेंट के बाद अपने नेटिव घर तमाहा ओक्लाहोमा लौट आती है, जहां पर उसे किंग किलर के नाम से भी जाना जा रहा है और ढूंढा भी जा रहा है क्रिमिनल अंडरग्राउंड वर्ल्ड में। लेकिन माया अभी भी किंग पिन के क्राइम रिंग को खत्म करना चाहती है और इस क्रिमिनल वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना चाहती है क्वीन पिन नाम से। और आई नो यार कि इसने बहुत से इनोसेंट लोगों को भी मारा है, तो ये कोई हीरो तो नहीं है। लेकिन जैसे कि इसके बचपन में ही इसकी माँ की डेथ हो जाती है, और जब वो कार एक्सीडेंट से गुजरते हैं तो हमें आगे कहानी में जाकर पता चलता है कि उसकी माँ किसी तरीके की मैजिक हीलर थी, जिसके पास ट्रेडिशनल पावर्स थे, जो पावर्स जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। और इन होते होते माया को भी पता चल जाता है कि ये पावर्स उसके अंदर भी है, और फिर वो पूरे इमोशनल जर्नी से गुजरती है। और इस सीरीज के बारे में अगर बताऊं तो ये सीरीज अपने कमियों और खूबियों के साथ ग्राउंडेड रहती है, और हाल फिलहाल के लिए तुम इसे एंजॉय भी करोगे। और ये सीरीज डाउन होना तब स्टार्ट होती है जब ये अपनी पुराने मार्वल के फ्रेमवर्क को दोबारा अपना लेती है। और भाई इसका क्लाइमेक्स तो बुरा है, जो कि देखने से ही पता चलता है कि मार्वल ने इसके एंड में कुछ नया नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी भाई तुम इसकी इज्जत करते हो, क्योंकि क्लियर है कि ये मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई है, और हम मार्वल को इस काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट इस बार तो मार्वल ने कुछ नया ट्राई किया अपने पुराने सेफ जोन से निकलकर। बट आई नो कि इतना ही से काम नहीं होने वाला, और मार्वल को अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन चलो, अब मुझे हनुमान मूवी भी देखने जाना है, तो आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें हनुमान मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।